फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप इतना जबरदस्त है कि जो भी ट्रायल लगा हुआ है इसमें एक भी प्लांट इसमें से सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। जितनी भी देखिए, ये ऊपर की सभी पत्तियां जो इसमें पौधे में आप देखते हैं, बीच की जो मेन पत्ती होती है जो बढ़ने वाला काम मेन करती है, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से खा करके खत्म कर दिए हैं। और आप देखिए कि एक भी अगर पौधा इसमें खोजा जाए तो यह कीट जो है कहीं पे ऐसा नहीं है कि ये दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर इसका अटैक नहीं है। तो ये सबसे इतना ही भयानक कीट है जो अभी जल्दी ही ये बाहर से आया हुआ है। और यह कीट जो बाहर से आया हुआ है, इसका आप ये सबसे पहले इंडिया में कर्नाटका में देखने को मिला, और कर्नाटका के बाद अब जो है कई प्रदेशों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी आप ये देख लीजिए कि किस तरह से कितने जबरदस्त तरीके से खाया हुआ है। और ये पहली बार मैंने ये केवल ये फील्ड विजिट करने के दौरान, कई जगह विजिट करते हुए जब मैं इसमें अपने आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी फार्म पर आया तो देखा कि यहाँ पर इस तरह से जो प्रकोप पौधे को खा करके ख़त्म किए हुए था। और निरीक्षण किया तो इसके दौरान मिला कि ये फॉल आर्मी वर्म स्पोरोडॉप्टेरा फर्जिफेरा के कीट का प्रकोप है जो इसका लार्वी दिखाई दिया। जैसा कि आप जो अभी देखेंगे, हमारे किसान भाई भी अगर देखना चाहें तो जो भी उसमें कीट है, कीट में सूंड़ी इसकी जब निकालेंगे तो सूंड़ी को देखेंगे कि सूंड़ी जो है एकदम बिल्कुल आपको उसका जो हेड के ऊपर आपको एक निशान तिकोना दिखाई देगा, वी के आकार का, उल्टे वी के आकार का निशान आपको दिखाई देगा। तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि यह वही कीट है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये देख ले हमारे किसान भाई, इसको इस तरह का जैसे ही प्रकोप दिखाई दे, इनको जो है विशेष कर तुरंत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये कृषि वैज्ञानिक या जो भी नज़दीकी आपके सलाहकार कृषि विभाग से संबंधित या कहीं से आप लोग संपर्क करके इसको दिखवा लें। और इसकी कंट्रोल के लिए, जैसे कि अभी इसका बाहर से ऐसा कीट आया हुआ है तो, और ये ऐसी जगह पर रहता नुकसान करता है जो आप देखिए कि पौधे को ऊपर का जो कोपल मेन पत्ती है, ऊपर की जितनी पत्तियां सबको लगभग लगभग खा जाता है। तो ऐसे में इसको आपको एक तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता होगी, जैसे आप जो है आप कारोफिरान भी डाल सकते हैं, और इस तरह से जो भी आप सिस्टमिक दवा का प्रयोग करेंगे वो भी इस पर काफ़ी असरकारक है। और हमें ये पहली बार अयोध्या क्षेत्र में, जो हमारा लखनऊ के बाद का जिला है, जनपद है, उस क्षेत्र में पहली बार देखने को मिला है। और इसको देखते हुए लगता है कि यह कीट जो है पूरी तबाही मचाएगा, और हमारे किसान भाइयों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि हमको जो है ये इस तरह के कीट प्रकोप से बचने के लिए जो है इनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये कैसे इनको बचाव किया जाए, इनकी किस तरह के लक्षण आते हैं इसको दिखाने की आवश्यकता है, और उनको जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये आपको एक बार फिर बता दें कि इस जो भी एक्सपेरिमेंट जबकि एक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए किसी भी प्रकार की एक भी सिंगल पौधा कोई नहीं बचा है जिसको इसने इस तरह से खा करके इसको ध्वस्त न कर दिया हो।
तो ये आपको बता दें कि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नुकसानदायक कीट है जो हमारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। तो इसकी जानकारी, जागरूकता और इसको नियंत्रण करने के उपायों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को हमारे जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र, प्रभारी अध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आपको ये बताने के लिए ये मैंने इस फील्ड पे जा करके इसका वीडियो बनाया, और ये दिखाने के लिए कि हमारे किसान भाई और हमारे जो भी जिनको नहीं पता है इस कीट के बारे में, इसके बारे में जाने और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये बचाव किया जा सके और भारी नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि देखिए, मैंने इतना आपको दिखाया, अंत में आप ये देख लीजिए कि किसी भी इतनी बड़े फील्ड में, लगभग 1 एकड़ फील्ड होगा, लेकिन इतने में कोई एक सिंगल पौधा सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। और इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसका नाम फॉल आर्मी वर्म इंसेक्ट है, जो प्रथम बार मैंने इस क्षेत्र में देखा। अभी भी ये बहुत कुछ ही एरिया में पाया जा रहा है, तो इसको आप सावधानी दें। जैसे ही दिखाई दे आप हमको बताएं, कीट विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर उमेश चंद्र में मुझे बताएं, आपको जो कृषि विभाग को बताएं, जिससे उस क्षेत्र में इसकी रोकथाम की व्यवस्था की जा सके। धन्यवाद।